नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में टॉप करने वाली बिहार की खगड़िया की बेटी आयुषी नंदन से मिलने पहुंचे हुए हैं मुकेश सहनी। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे हुए हैं खगड़िया, आयुषी नंदन से मिलने हुए हैं। दरअसल आयुषी नंदन इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट आए थे उसमें उन्होंने टॉप किया है, साइंस स्ट्रीम से आयुषी नंदन ने टॉप किया है और अब उनसे मुकेश सहनी मिलने पहुंचे हुए हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें भेंट दे रहे हैं और उनके भविष्य के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, भविष्य के लिए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देख रहे हैं। तो देखिए, हम अब आपको विजुअल सीधे खगड़िया से दिखा रहे हैं जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आयुषी नंदन से मिलते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि आप अपने भविष्य में और उज्जवल, आपका भविष्य और उज्जवल हो, उन्हें उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ विजुअल्स निकल कर सामने आ रही है खगड़िया, हम आपको छोड़े जाते हैं तमाम तस्वीरों को। हमारे साथ तुम्हारे पापा को भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, काम करे, अच्छे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, राज्य टॉपर है, तो बस उससे परिवार से मिलने के लिए हमको शुभकामना देने के लिए आए, परिवार को बधाई देने के लिए आए कि भाई अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस परिस्थिति में गरीब घर में भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत है और तमाम गरीब पिछड़े ऐसे समाज में कि आप अगर मन से अगर चाहेंगे तो आपके पास आर्थिक स्थिति कम भी रहेगा तो भी आप अगर चाहेंगे तो राज्य में टॉपर बन सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं कुछ है तो कहीं ना कहीं उनका बहाना भी उनके साथ होता है। निश्चित तौर पे पढ़ाई लिखाई में संसाधन तो चाहिए, लेकिन अगर मन में अगर हो इच्छा तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं और बिहार का जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने राज्य टॉप की है और तो मेरा शुभकामना है और पूरा खगड़िया जिला के जितने भी लोग हैं सबका शुभकामना है और राज्य का इसी तरीके से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और आने वाले समय में बच्चे लोगों के लिए जितना हो सकता है हम लोग सरकार में आएंगे, सिस्टम बनाएंगे, पहले से बेहतर अभी राज है और आगे आज जो है इससे भी बेहतर आने वाले समय में राज को लेके जाएंगे। मुकेश जी, 24 जो है नज़दीक आ रहा है, आपका क्या रोल रहेगा? 24 में रोल होगा पूरे बिहार में, पूरे देश में नज़र बनाए रखे हैं, देश में अच्छा हो, खगड़िया उसमें भी है एक है और खगड़िया में तो हम चुनाव लड़े हैं, यहाँ तो विशेष हमारा अपना पर्सनल लगाव है, तो निश्चित तौर पे राज्य में 40 लोकसभा सीट है, अगर 2-4 लोकसभा सीट पर अगर ज़्यादा मेरा फोकस होगा, ध्यान होगा, उसमें से खगड़िया लोकसभा। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन तरफ या एनडीए की तरफ? वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। राहुल गांधी जी वाले जो लोग अपने रद्द वाला प्रकरण, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी न्यायपालिका पे हमें ज़्यादा उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं कल भी उनको सम्मान करता था न्यायपालिका, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा, लेकिन ये जो राहुल गांधी मामले में जो प्रक्रिया हुआ है मैक्सिमम सजा का, इसको देश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो हुआ वो सही नहीं है, इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए, सजा भी हो तो थोड़ा कम होता जा, ताकि देश में एक विपक्ष का आवाज़ बन के उभर रहे थे, देश में हर जगह बात रख रहे थे कि भाई अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से, तो ऐसे लोगों को आवाज़ बंद नहीं करना चाहिए, सजा देना चाहिए अगर गलत किए तो, लेकिन इस तरीके से सजा नहीं देना चाहिए और आनन फानन में सदस्यता रद्द हो जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बदले का भावना हमें नज़र आ रही, इसमें बाहर रहा कि इस पर बहुत ज़्यादा क्या बोलना, देश के जनता और युवा सब लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में हमें पूरा उम्मीद है कि जब ऊपरी अदालत जाएंगे तो इस पर राहुल गांधी जी को रिलीफ मिलेगा। केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई पर भी कि जो है विपक्ष को लगातार टॉर्चर किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर जैसे आज आप पत्रकार हैं और आप ही के जहन में ये सवाल उठ रहा है तो आपको खुद एहसास होता होगा कि ऐसा हो रहा है तभी आप सवाल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका जवाब यही है कि ये बात सही है कि उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या इस बार मुकेश सहनी खगड़िया से किस्मत आजमाएंगे 24 में? खगड़िया से पूरे बिहार से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी और समय आएगा तो आप लोगों को बता देंगे।